वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज, आप देख रहे हैं थंडर व्हील्स की एक और नई वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा के कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के बारे में, विच इज टाटा कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू टाटा कि वो हमें इतनी अच्छी कार्स प्रोवाइड करती हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट टाटा कर्व। तो फ्रंट से अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बिल्कुल यूनिक लगती है। लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें कंप्लीट LED लाइट्स का सेटअप मिलेगा और DRLs का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सटल और यूनिक है। हेडलाइट्स का जो डिज़ाइन है वो इसमें हमें ट्राई एरो डिज़ाइन का मिलता है। इस कार में हमें कंप्लीट कूपे डिज़ाइन मिलता है जो कि रिजेंबल करता है BMW X7 से। इस कार के साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी डिफरेंट लगती है। और इस SUV के टायर साइजेस की अगर मैं बात करूं तो वो इसमें हमें 20 इंचेस के मिलते हैं। कार के अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी सटल यूज़ किया गया है। एंड गाइज, इस कार में हमें साइड मिरर्स तो नहीं मिलते बट इन फ्यूचर उसमें हमें कैमरा मिल सकता है। यस गाइज, साइड मिरर्स में कैमरा। वेल गाइज, अभी के लिए जो है ये कार EV में लॉन्च होगी बट उसके बाद इसमें हमें पेट्रोल, डीजल और CNG का भी ऑप्शन मिल सकता है। एंड गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस कार का वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया, विच इज़ दैट कि इसमें हमें टाटा का जो लोगो है वो हमें 3D में देखने को मिलेगा। यस गाइज, 3D। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैक प्रोफाइल ऑफ दिस कार। तो बैक में हमें फ्लोटिंग लाइट्स मिलेगी एंड टेल लाइट्स का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी स्लीक रखा गया है। एंड वन थिंग आई वुड से दैट कि इस कार का जो रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अपीलिंग होने वाला है। वेल, अब अगर मैं बात करूँ कार के इंटीरियर की तो उसमें हमें सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, विच इज़ दैट कि इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी स्टाइलिश रखा गया है। एंड गाइज, डैशबोर्ड के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी क्लासी होने वाला है। और इंटीरियर में इसमें हमें एम्बियंट लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। एंड गाइज, इसमें हमें बड़ा सा टच स्क्रीन देखने को मिलता है और उसी के साथ इसमें हमें अलग से इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की स्क्रीन भी मिलती है। एंड कार के सीट्स के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो रेसिंग कार्स वाली देखने को इसमें हमें मिलेगी। इस कार में हमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिल सकती है। एंड आई वुड से दैट कि ये कार कम्प्लीटली डिजिटल होने वाली है। वेल गाइज, एज वी नो दैट कि ये कॉन्सेप्ट कार है तो कम्प्लीटली ये सारे फीचर्स आना तो पॉसिबल नहीं है बट जो एडवांस फीचर्स हैं वो तो डेफिनेटली हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। वेल, अब मैं बात करूँ कार के लॉन्च की तो ये max 2 years में लॉन्च हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो सो यू नेवर मिस माई लेटेस्ट अपडेट्स।